गोपी चंदी मेरे लाल हो बेटा, तू वापिस घर ने चालिए गोपी। कर्मों की लकीर माता, भतम रमा का जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता, भतम रमा का जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता। अरे वापस चल महल में बेटा, माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे मुझको बेटा नींद तलक न आती ही रे, नानेनो से दूर करया मेरी फाटन लागी छाती रे, नानेनो से दूर करया मेरी फाटन लागी छाती रे। माड़ा राखी घाल हो बेटा, मनी रे गले रुक्कम सिंह नागर साहब नवादा से, वो भी 500 रुपए से इस रागनी पर हमारी टीम को आशीर्वाद देते हैं। नागर साहब के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। साथ ही दूसरी बात के माध्यम से वो गोपीचंद समझाते हैं कि हमने तो आपको पहले बार बार मना किया था कि हमें साधु ना बनाएं, योग ना दिलाएं, क्योंकि हमारी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी गृहस्थ को छोड़ करके हम कैसे साधु बन जाए। लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं सुनी सदनो, किस प्रकार से गोपीचंद दूसरी बात के माध्यम से अपनी माँ मैनवंती को समझा रहे हैं। क्या बता दिया, क्या लिख दिया। समझाई माता, बार बार मैं मना करूँ था तेरी समझना आई माता, अब तो करू गुरु की सेवा इसी में भलाई माता, अब तो करू गुरु की सेवा इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मन ख्याल करया ना हो, ख्याल करना अकल तेरी चकराई बेटा, वो जा अमर शरीर लाल का सोचे थी तेरी माई बेटा, के बेरा था जोग दिमाग मेरे सर चल जा कर राई बेटा, के बेरा था जोग दिमाग मेरे सर चल जा कर राई बेटा। इनका तू करी ये ख्याल हो बेटा, लोग नगर के आलिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर में चालिए। थैंक यू।
हमारा माननीय वीर सिंह जी दमदमा से वो भी 100 रुपए से इस रागनी पर हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए सज्जनों, किस प्रकार से तीसरी बात के माध्यम से वो गोपीचंद समझाते हैं कि जब आप ने हमको साधु बना दिया, क्योंकि साधु संतों के भी कुछ नियम और पंथ होते हैं। सुना है और कहते हैं कि गृहस्थ जीवन से इंसान साधु सन्यासी बन जाता है, और साधु सन्यासी बनकर के जो इंसान वापस गृहस्थ जीवन में जाता है उसका कोई धर्म और पंथ नहीं होता। सज्जनों, अपनी माता को समझाते हुए गोपीचंद क्या कहता है, किसी बात के माध्यम से क्या बता दिया। भक्ति हो जाएगी गोपी चंद तेरा अमर बने माँ, सफल कमाई हो जाएगी जैसी इच्छा थी तेरी वाह, पूरी माई हो जाएगी जैसी इच्छा थी तेरी वाह, पूरी माई हो जाएगी। सोले रानी तेरी महल में रो रो रुदन मचावे रे, अगर नहीं तू चलेगा वो बिस खा के मर जावे रे, बारे कन्या बिना बाप के अपनी जान गवावे रे, बारे कन्या बिना बाप के अपनी जान गवावे रे। अरे हो जागा पूरा हाल हो बेटा, आ गया माती की मानिए गोपी चंद जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जावे मैं धरना वापस जाऊंगा, वो चाहे कुछ भी हो जावे मैं धरना वापस जाऊंगा। मत कर तू इनकार लाडले, डूबा ढेरी हो जागी मेरे लेके परले होगी, रात अंधेरी हो जागी कविताई हर राम बैसले रोशन तेरी हो जागी, कविताई हर राम बैसले रोशन तेरी हो जागी। धर के गुरु का ध्यान हो बेटा, लय सुर में तू गालिए गोपी